साथियों, जो युवा बीते कुछ वर्षों में या पिछले दशक में देश की सिविल सेवा से जुड़े हैं, उन्हें मैं कुछ बातें विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। आप भी जानते हैं कि जीवन जीने के दो तरीके होते हैं। पहला गेटिंग थिंग्स डन और दूसरा लेटिंग थिंग्स हैपन। पहला एक्टिव एटीट्यूड है और दूसरा पैसिव एटीट्यूड का प्रतिबिंब है। पहले तरीके से जीने वाले व्यक्ति की सोच होती है कि हाँ बदलाव आ सकता है। दूसरे तरीके में विश्वास करने वाला व्यक्ति कहता है ठीक है रहने दो, सब ऐसे ही चलता है, पहले से भी चलता है आगे भी चलता रहेगा, वो तो अपने आप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। गेटिंग थिंग्स डन ये यकीन रखने वाले आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं। जब उन्हें टीम में काम करने का अवसर मिलता है तो वो हर काम का ड्राइविंग फोर्स बन जाते हैं। लोगों के जीवन में बदलाव लाने की ऐसी ज्वलंत इच्छा से ही आप एक ऐसी विरासत छोड़ जाएंगे जिसे लोग याद करेंगे। आपको यह भी याद रखना होगा कि एक अफसर के रूप में आपकी सफलता इस बात से नहीं आती जाएगी कि आपने अपने लिए क्या हासिल किया। आपकी सफलता का आकलन इस बात से होगा कि आपके काम से, आपके कैरियर से दूसरों का जीवन कितना बदला है। जिनका जीवन बदलने की जिम्मेदारी आपके पास थी, वे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए आपको ये हमेशा याद रखना है, गुड गवर्नेंस इज द की। जब पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस होती है, जब डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नेंस होती है, तो वो समस्याओं का समाधान भी करती है और बेहतर रिजल्ट भी देती है। गुड गवर्नेंस में जनता के प्रति जवाबदेही होती है। एक ही राज्य में एक जिला अच्छा परफॉर्म करे और दूसरा न करे तो इसके पिछले असली वजह गुड गवर्नेंस का अंतर ही होता है। हमारे सामने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का उदाहरण है। हमने जब जोश से भरे देश के युवा अफसरों को वहां नियुक्त किया, उन्हें गुड गवर्नेंस के लिए प्रेरित किया तो नतीजे भी बेहतरीन आए। आज अनेक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डेवलपमेंट पैरामीटर्स में देश के दूसरे जिलों से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जब आप इस पर फोकस करेंगे, पीपल्स पार्टिसिपेशन पर फोकस करेंगे, तो जनता में भी ओनरशिप का भाव, उसकी भावना और अधिक मजबूत होगी और जनता जनार्दन किसी भी योजना की ओनरशिप ले लेती है तो अभूतपूर्व नतीजे आना सुनिश्चित हो जाता है। आप स्वच्छ भारत अभियान देख लीजिए, अमृत सरोवर अभियान देख लीजिए, जल जीवन मिशन देख लीजिए। इनकी सफलता का बड़ा आधार जनता द्वारा ली गई ओनरशिप है।